प्रदीप जी, देखिए सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से सचिन पायलट खुद ही अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस कैसे लोगों को समझाएगी कि भ्रष्टाचार नहीं है जब अपने लोग ही कह रहे हैं? नहीं, देखिए सचिन पायलट एक बड़ी समस्या तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए है, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी का जो घर है राजस्थान में, वो भी उसमें भी एकता की कोई मूर्ति नहीं दिखाई दे। अलग अलग गुट हैं, अलग अलग गुटों के अपने अपने दावे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। तो बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान बहुत ज्यादा है, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ पब्लिक में जाकर लगातार अभियान चला रहे हैं और भ्रष्टाचार के सवाल पर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और उसके अलावा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मामले को सुलझाया है कांग्रेस पार्टी ने, अगर उस तरह से राजस्थान में सुलझा नहीं पाती है तो इसका नुकसान चुनाव में होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आशुतोष जी, आपका क्या आकलन है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? क्योंकि राजस्थान को लेकर बार बार ये बात कही जाती है ना कि सरकार वहां बदल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने ये सवाल तो है कि चेहरा कौन? देखिए, राजस्थान के चुनाव का नतीजा तय करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया और उनके साथ अगर पॉलिटिक्स की गई तो फिर वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी नेमेसिस साबित होने वाली है। सचिन पायलट की तो बात छोड़ दीजिए आप, और यह बात सबको मालूम है कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पर डाल दिया जाए, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक का अनुभव है, जहां येदियुरप्पा को जब आपने हाशिए पर डालने की कोशिश की और उनके लोगों को आपने किनारे करने की कोशिश की, तो उसके क्या नतीजे निकले हैं? तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक कद्दावर नेता है राजस्थान की, उनका वहां जनाधार है और उनके तमाम आलोचक भी हैं, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, लेकिन वो आज की तारीख में राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है और देश में तमाम बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। तो उनको अगर आप इग्नोर करके चलेंगी, पार्टी अगर चाहेगी कि उनको साइडलाइन करके किसी और को अगर चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा तो वो होने वाला नहीं है। सवाल ये है, आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो नारा क्या लगा था? बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। और उसके बाद का नतीजा सबके सामने स्पष्ट है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चेहरे के तौर पर पेश करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुसीबत और ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।